से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। कर्फ्यू क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था लागू रहने वाली है। कर्फ्यू क्षेत्र में आना जाना पूरी तरीके से बंद है। राज्य सरकार के नियमानुसार खुले सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, मुख्य बाजारों में कई दुकानें बंद, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बस सहित अन्य साधन बंद रहेंगे। व्यक्तिगत वाहन से आमजन आ जा सकते हैं, बाइक पर सिर्फ एक और कार में 3 व्यक्ति सवार हो सकेंगे। शहर से बाहर जाने वालों के लिए पास अनिवार्य रहेगा। शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। व्यक्तिगत वाहन से आमजन आवाजाही कर सकते हैं। कर्फ्यू क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। बाइक पर सिर्फ एक और कार में 3 लोग सवार हो सकेंगे। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पहले जैसे प्रतिबंध लगातार जारी रहने वाले हैं। रेड जोन में जयपुर शामिल है और ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन में छूट मिली। मॉल कॉम्प्लेक्स मार्केट में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ई कॉमर्स के जरिए भी आवश्यक वस्तुओं की खरीद हो सकेगी। प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे और 1/3 स्टाफ के साथ ही। साइकिल रिक्शा, ऑटो, कैब, टैक्सी रेड जोन में बंद रहने वाले हैं। आवासीय क्षेत्र में कुछ प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर सभी खुल सकेंगे। ठेलों पर केवल सब्जी और फल ही बेचे जा सकेंगे। आवासीय क्षेत्र में शराब की दुकान भी खोली जा सकेगी। दुकान और दफ्तर आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। आज से लागू हुआ लॉकडाउन 3.0